हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आज की मैं वीडियो पतंग की टेपिंग के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि पतंग में टेपिंग कैसे करते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप पतंग की टेपिंग, आप उसकी टिप से शुरू करेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें आप सबसे पहले टिप में इसके टेप लगाएंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको लगाना है। इससे लगाने से ये होता है, जैसे कि आप पतंग जब पार करते हैं तो कभी कभार आपकी पतंग टकरा जाती है दीवारों से, तो उसकी जो नोक होती है यही टकराती है, और अगर इसमें टेप लगा रहेगा तो ये फटेगी नहीं, सही। इसलिए हम इसके टिप में ऐसे टेपिंग करते हैं। उसका इसके जो ये शोल्डर, ये बीच का होता है, इसे शोल्डर कह लेते हैं हम। तो हम इसके बाद इसमें शोल्डर में इसके टेपिंग करते हैं। आप शोल्डर के पीछे टेपिंग करने का रीज़न क्या है, पहले तो आप देख लीजिए इसमें कैसे आपको टेप लगाना है शोल्डर में। ये देखिए, तो ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको सेम टू सेम शोल्डर में टेपिंग करनी है। ये देखिए, ऐसे ही आपको शोल्डर में टेप लगाना है। तो अब मैं बता देता हूँ कि शोल्डर में टेप लगता क्यों। जैसे कि आप पतंग, आपकी लड़ी होती है लंबे पेजों में, तो पतंग के यहाँ से फटने के चांसेस होते हैं तेज हवा में, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके शोल्डर में, पतंग के शोल्डर में हम टेप लगाते हैं, क्यों ताकि जब हमारी पतंग जब लंबे पेज में लड़ रही है तो यहाँ से फटे नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज होती है ऊपर, इसलिए। और हम दूसरे शोल्डर में भी ऐसी टेप लगा लेंगे। देखिए, यही आजकल, पहले तो सीधाई में टेप लगता था सीधे में, लेकिन अब ये तरीका बदल गया है, तो अब हम ऐसे में टेप लगाते हैं थोड़ा इंक्लाइन करके। उसके बाद आप इसके एकदम नीचे वाली जो इसकी होगी एज कह लेते हैं हम, इधर आप टेप करेंगे। यहाँ से ही पतंग के फटने के चांसेस रहते हैं, और सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ से होता है, क्योंकि अगर आपकी पतंग यहाँ से फट गई जरा सी भी, तो आपकी जो मंजा होता है वो इसमें फट जाता है, इसलिए आपकी पतंग एकदम ढह जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको टेप लगाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जगह में। और चाहे तो हम ऐश के जो ऊपर थोड़ी सी जगह है वहाँ पर भी कुछ लोग टेप लगा लेते हैं, वो आपके ऊपर आप लगाना चाहे नहीं, तो ये मेन जगह यही है टेपिंग करने की, सही। उसके बाद तो बात ही हो गई, अगर आपकी पतंग एकदम प्लेन है, जैसे काली हो गई या नीली हो गई, तो बस आपको इन्हीं जगहों में टेप लगाना है, और एक इनके जो कन्ने आप यहाँ पर बांधेंगे उसके कन्नों के ऊपर टेप लगाना, ताकि जो आपके कन्ने हैं वो आगे ना भागें, वरना फिर आपके कन्ने ख़राब हो जाएंगे। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो ये देखिए, बस इतना आपको लगा लेना कन्नों के ऊपर। ये तो हो गई नॉर्मल टेपिंग। जैसे आप, आपकी पतंग एकदम सिंपल है कि जैसे ब्लू, पूरी ब्लू हो गई, ब्लैक हो गई, मतलब एक ही कागज़ की अगर पतंग है, तो आप ऐसे टेपिंग कर सकते हैं। अब क्या, जैसे कि आप पतंग देख सकते हैं, इससे सितारा पतंग है, तो आप इनके जहाँ पर सितारा बनाओ या जो भी आपकी शेप बनी हो वहाँ पर भी आप टेप जरूर लगाएं, क्योंकि पतंग के वहाँ से भी खुलने के चांसेस होते हैं, सही है। तो जैसे कि ये मेरी सितारा पतंग है, तो मैं एकदम इसके ऊपर टेपिंग कर लेता हूँ, ताकि ये पतंग जब मैं पेजू में आगे लड़ाऊँ तो यहाँ से खुले नहीं। तो एकदम आप इसके जॉइंट में एकदम टेप लगा लेना। तो देखिए, जो भी आप उसके ऊपर आप टेपिंग कर सकते हैं, और मेरी माने तो आप ऐसी शेप वाली पतंग पेजू में ना लड़ाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके जहाँ पर पतंग के एकदम नीचे टिल्ली होती है ना, ये सीख, उसके एक ऊपर टेप यहाँ पर दोनों तरफ आप लगा लें, और एक जो तिल्ली का नीचे का हिस्सा है यहाँ पे भी आप टेप लगा लें। तो बस दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। और वीडियो अगर आपको मेरी ज़रा सी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं अगली वीडियो कौन से टॉपिक में बनाऊँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं उसी में बना सकूँ वीडियो। बस थैंक्स।